नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली नर्सरी एडमिशन जिसकी शुरुआत ओपन सीट्स पर हो चुकी है 23 नवंबर से और 15 दिसंबर फॉर्म भरकर जमा करने की अंतिम तिथि है, उस संबंध में मुझसे सवाल करे जा रहे हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी, ये EWS DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों के लिए आरक्षित दाखिले नहीं है, यह ओपन सीट्स पर दाखिले हैं, जनरल सीट्स पर दाखिले हैं। कोई भी बच्चा किसी भी कैटेगरी का या फिर वह किसी भी कैटेगरी का नहीं है, वह इस दाखिला प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है और जिस भी स्कूल में बच्चे का दाखिला होगा उस स्कूल की जो भी फीस होगी वह पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए पे करनी होगी। अब बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तो उन्हें पता है लेकिन उसके बाद की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानकारी, तो आप सभी को बताना चाहूँगी कि 15 दिसंबर आप फॉर्म भरकर जमा करवा देंगे, उसके बाद हर स्कूल जिसमें आपने फॉर्म भरे हैं वह आपकी डिटेल्स को अपलोड कर देगा 29 दिसंबर को। 5 जनवरी को हर बच्चे को कितने पॉइंट्स मिले हैं उसकी डिटेल्स भी हर स्कूल अपनी वेबसाइट पर उसकी बारे में जानकारी दे देगा। अब पहली रेस निकल जाएगी 12 जनवरी को। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 12 जनवरी। 12 जनवरी को पहली लिस्ट निकलने के बाद उसके अगले ही दिन से 13 जनवरी से किसी भी पेरेंट को कोई कंफ्यूजन, शंका, इंक्वायरी या फिर कंप्लेंट है वह स्कूल में जाकर बात कर सकता है, चाहे वह वर्बली बात करे, चाहे वह लिख के कंप्लेंट करे, चाहे वह ईमेल के माध्यम से कंप्लेंट करे, और उस दिन से पहली लिस्ट के दाखिले भी शुरू हो जाएंगे। अब जिन स्कूलों में पहली लिस्ट के दाखिलों के बाद सीटें खाली रह जाएंगी वह दूसरी लिस्ट निकालेंगे जो कि होगी 29 जनवरी को, और 29 जनवरी के बाद अगले ही दिन से 31 जनवरी से 6 फरवरी तक फिर से अभिभावकों को मौका मिलेगा, कोई भी कंप्लेंट है, परेशानी है, वे स्कूल में रजिस्टर करवा सकते हैं दाखिले संबंधित। जिन स्कूलों में पहली और दूसरी लिस्ट के बाद भी सीटें खाली रह गई वे अगली लिस्ट निकालेंगे जो कि निकलेगी 21 फरवरी को, और आप सभी को कहना चाहूँगी कि 21 फरवरी के बाद 8 मार्च वह तिथि होगी जब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अनुसार नर्सरी दाखिला प्रक्रिया की समाप्ति हो जाएगी, क्लोजर ऑफ एडमिशन प्रोसेस। तो यह थी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने जिसकी लिस्ट जारी करी है अपनी नोटिफिकेशन में, और यह नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा आपको देती हूँ, आप खुद भी डिस्क्रिप्शन में जाकर नोटिफिकेशन के लिंक को क्लिक कर यह सारी डेट्स अपने आप देख सकते हैं। और आप सभी से कहना चाहूँगी कि यह डेट्स कहीं सामने लिख कर रख लीजिए क्योंकि सही तारीख पर स्कूल से सही जानकारी प्राप्त करना, और अगर बच्चे का नाम पहली या दूसरी लिस्ट में आता है या बाद के लिस्ट में आता है तो सही समय पर जाकर दाखिला करवाना आपकी जिम्मेवारी है। अगर यहाँ पर थोड़ी चूक हुई तो बाद में लेट बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता है। उम्मीद करते हैं उस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।